श्योर विजन के बारे में, क्या आप श्योर विजन लेने जा रहे हैं? आजकल श्योर विजन मार्केट में बहुत ही पॉपुलर हो रहा है, जो कि ऐसा दावा कर रही है कंपनी कि श्योर विजन लगाने से चश्मे का पावर हट जा रहा है, कुछ दिन लगाते हैं तो चश्मा हट जा रहा है। लोगों की ऐसी थिंकिंग बन रही है, तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। श्योर विजन क्या चश्मा हटा सकता है वाकई में? तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविंद्र चौधरी, स्वागत है आप सभी का यूट्यूबर नेत्र में। दोस्तों ये है श्योर विजन का चश्मा जो कि मार्केट से लिया गया है। ये है श्योर विजन का चश्मा, इसको लगाने से लोगों में भ्रम आ रहा है कि चश्मे का पावर हट जा रहा है, तो इसी पे हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। ये जैसा कि हम लोग यूज़ करते हैं पिन होल, ये पिन होल के कॉन्सेप्ट के काम करता है। पिन होल में भी क्या होता है कि वो पिन होल लगाने के बाद आँख में लाइट को एक डायरेक्शन में सीधे आँख पे फोकस कराता है, जो कि सीधा पर्दे पे जाके गिरती है। चाहे वो प्लस का नंबर हो चाहे माइनस का, वो कन्वर्ज करके लाइट को पर्दे पे ही गिराता है, उससे इमेज अच्छा दिखने लगता है। तो उसी में ये भी इसी का कॉन्सेप्ट है कि इसमें बहुत छोटे छोटे बहुत छेद बने हुए हैं, तो कुछ देर लगाने के बाद में ये एक लाइट को पर्दे पे गिराने लगता है, तो लोगों को महसूस होता है कि हमको अच्छा दिखने लगा। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, कुछ दिनों के बाद में फिर ऐसे ही हो जाएगा। उसके बाद में हम ये जानना चाहेंगे कि चश्मा आखिर में लगता क्यों है, इसको भी जानना ज़रूरी है। जब तक इसकी जानकारी आपको नहीं रहेगी तो आपको भ्रम ही रहेगा कि श्योर विजन चश्मा हटा देता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये है हमारा आई बॉल, ठीक है ना? तो हम मान लेते हैं किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो वहाँ से जो लाइट आ रही है, लाइट रेज आ रही है, चाहे वर्टिकल सेक्शन से आ रही हो चाहे हॉरिजॉन्टल सेक्शन से आ रही हो, तो उसको पर्दे तक पहुँचना ही होता है। पर्दे से पहले यदि गिर रही है या बाद में गिर रही है तो वो ऑब्जेक्ट आपको क्लियर दिखेगा नहीं, वो चीज़ अच्छी आपको समझ में नहीं आएगी, चाहे दूर की हो चाहे पास की हो। तो ये दो कमी के कारण चश्मा लगता है बेसिकली। एक तो या तो आई बॉल का शेप चेंज हो गया हो, एक या तो कार्निया इररेगुलर हो गई हो। इररेगुलर मतलब उस वो कार्निया का शेप जैसा होना चाहिए, जिस डायग्राम में जिस मेंटेनेंस रहना चाहिए, उस स्थिति में वो कार्निया ना हो, उसमें कुछ इररेगुलरिटी आ गई हो, चाहे वो कहीं आड़ा टेढ़ा हो गया हो या पूरा फ्लैट हो गया हो या कर्व हो गया हो, तो ऐसे केस में चश्मा लगता है। तो क्या आप खुद सोचिए कि ये चश्मा लगाने से, श्योर विजन का ग्लास लगाने से, ये आँख को छोटा बड़ा कर सकता है या कार्निया की इररेगुलरिटी को ठीक कर सकता है? अगर ऐसा आपका सवाल है कि नहीं, तो ये सही है कि श्योर विजन चश्मा नहीं हटा सकता है, कभी भी नहीं हटा सकता है। तो क्या आपको श्योर विजन का ग्लास लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? क्योंकि मार्केट में इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर हो रहा है श्योर विजन, 2-2 हज़ार के 2-2 हज़ार के चश्मे लोग ले रहे हैं। अभी नया होने की वजह से ट्रेंड में आ गया है कि हाँ चश्मा हट रहा है, लोग चश्मे से पीड़ित हैं, चश्मा लगाना नहीं चाह रहे हैं। कुछ लोग कॉस्मेटिकली समझते हैं, तो इसको कॉस्मेटिकली भी देख लेते हैं। कॉस्मेटिकली ये इतना बड़ा सा चश्मा आप लगाएंगे, यदि किसी की सर्जरी हुई होती है कैटरेक्ट की या मोतियाबिंद या और किसी का, तो काला चश्मा दिया जाता है 1 महीने के लिए, तो वो आदमी नहीं लगाना चाहता है, उब जाता है। तो क्या ऐसे इस बड़े ग्लास को लगा करके कोई कहीं मार्केट में जाना पसंद करेगा? कॉस्मेटिकली ये ठीक नहीं है, बहुत ही गलत है, भद्दा दिखता है चेहरे पे, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि श्योर विजन चश्मा नहीं हटा सकता। एक लाइन में अगर मैं बोलना चाहूँ तो ये पक्का है, चश्मा को हटा नहीं सकता, चाहे 1 साल लगाइए चाहे 6 महीने चाहे 2 महीने, कभी भी नहीं हटा सकता। क्योंकि ये आई वॉल की शेप को ना चेंज कर सकता है, ना कार्निया की शेप को चेंज कर सकता है। कॉन्सेप्ट इसका उसी पिन होल का है। तो ये है श्योर विजन के बारे में, आपको पूरी जानकारी दे दी गई है। अगर आपको फिर भी लगता है कि मैं श्योर विजन खरीदूँगा सब कुछ जानने के बाद भी, तो आप खरीद सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर ये आप 10 रुपये प्लास्टिक आपका चश्मा हटा सकता है तो आप खरीदिए, बिल्कुल शौक से खरीदिए। और अगर चश्मा हटाना ही है तो मार्केट में बहुत सारे अभी टेक्नोलॉजी आ गई हैं, चाहे ICL हो, चाहे कंटूरा विजन हो, चाहे लेसिक हो, बहुत सारे सालों से प्रचलित हैं, क्योंकि आपको चश्मा नहीं लगाना पड़ेगा। तो इस प्लास्टिक के पीछे क्यों भागना दोस्तों? तो
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, जानकारी समझ में आ गई हो कि यहाँ चश्मे का कॉन्सेप्ट कैसे लगता है या स्योरविजन हटा सकता है कि नहीं हटा सकता, तो वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब वाला बटन दबा करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। Peace.